नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो। आज संडे। क्या है संडे? फिर छुट्टी मिली आज हमें? एक हफ्ते के बाद एक छुट्टी मिलती है। जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पता ही होगा। आज गेस करिए, मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने? पतिदेव से रिक्वेस्ट बोली हूँ, रिक्वेस्ट की हूँ मुझे कहीं ना कहीं ले चलो। काम करते करते एकदम थक जाते हैं पूरे हफ्ते। उनको तो कहीं आना जाना है ही नहीं। मैं बहुत रिक्वेस्ट की हूँ, आज मुझे कहीं ले जा रहे हैं घुमाने। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि सब चीज़ों से फुर्सत मिले तो मैं घूमने के लिए निकलूँ। हाँ, अभी चाय पियेंगे आप लोग? मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ। और गेस करिए मैं कहाँ जा रही हूँ, कमेंट में बताइएगा। मैं घूमने कहाँ जा रही हूँ? कोई बहुत बड़ी जगह नहीं जा रही हूँ, ऐसे तो सब लोग घूमे होंगे वहाँ, लेकिन फिलहाल मैं तो नहीं घूमी हूँ वहाँ पे। मेरा तो बहुत मन था वहाँ जाने का, घूमने का, देखने का कैसा है वहाँ। बहुत लोग उस जगह को कहते थे कि ऐसा है वो, यहाँ इतना अच्छा मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है। मैं भी सोची कि आज तो पतिदेव को रिक्वेस्ट कर ही लो। हाँ, रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ। आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए अपने पति को जाने के लिए। संडे अगर छुट्टी मिले तो मैं तो जिद कर ली हूँ। क्यों झूठ बोलूँ, मैं तो जिद की हूँ। और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ इसलिए कि मुझे घूमने जाना है। ये देखिए, आज संडे का दिन है। कितना उबड़ खाबड़ करके रखे हैं सब, अकेले करते करते थक जाते हैं। सोचते हैं अब जल्दी से काम ख़त्म हो तो मैं निकलूं घूमने के लिए। मेरा बेटा ना मुझे ना मजाक बना बना मेरा रख दिया है कि ऐसी जगह जा रही हूँ जैसे लग रहा है कौन सी जगह जा रही हैं। कि क्या करूं, पति के साथ तो थोड़ा सा समय मिलता तो है, नहीं दिन भर तो नौकरी फिर शाम को वही काम। और आप लोग ना मुझे ना कमेंट में बताइएगा जरूर कि मैं कहाँ गई। गेस करके भी बताइएगा मैं कहाँ गई, बताना जरूर है आप लोगों को। आप लोग के सपोर्ट से ना मैं थोड़ी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आप लोग कोई कमेंट जो मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम इतना अच्छा बातें करते हैं हमसे, अच्छा भी लगता है। और सबसे पहली बात, आप लोग गेस जरूर करिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। गेस कमेंट। बाय, मिलते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको दिखाते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग भी हंसेंगे कि मैम ऐसे जगह जा रही है, और लेकिन मैं ना कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। ठीक है, चलते हैं फिर, वहाँ का दिखाते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते। बहुत दिन से मैं सोची थी गोरखपुर नौका विहार जाने के लिए, फाइनली आज मैं आ ही गई हूँ। मैं पतिदेव के साथ हूँ। इतने दिन से रिक्वेस्ट करते करते पति देव को अब छुट्टी मिली, बोले कि चलो मैं आज तक घूमूंगी। संडे की छुट्टी मिलती है, मैं उसमें रिक्वेस्ट की ले चलो मुझे ले चलो। अच्छा तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ। फाइनली आज ये मुझे घुमाई दी है। बहुत मुझे यहाँ तो आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं आई हूँ। ये देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लगा ना? ये देखिए, ये बताइए कैसा लग रहा है, बताइएगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ये देखिए मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए अपने पति देव से मिलाते हैं। ये हैं मेरे
फाइनली आज लेके आ ही गए, मौका भी है और अभी सोचा ले चलो इनको दिखाई दे, रोज रोज नौका बिहार बोलती हैं तो उनको ये लगा कि भाई चलिए नौका बिहार हमने कभी देखा नहीं, रोज रोज इनकी शिकायतें मुझसे लगती थी, हमने कहा भाई चलो संडे है आज इनको मैंने नौका बिहार जरूर घुमाए थे। आइए आपको भी और दिखाएं, ये देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं रिटर्न चल रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि आज संडे की वजह से ना थोड़ा सा घर को भी कुछ नया चीज़ बनाना है, बच्चों को पति को कुछ खिलाना है। मैं सोची थी कि नौका भी आऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी, यानी मैं तो आ गई और रिटर्न भी जा रही हूँ, वापस मैं आप लोगों को भी दिखाते हुए चल रही हूँ। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये बताइएगा जरूर कमेंट में कैसा लग रहा है। आज बाइक पर बैठी हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पति देव के साथ आने पति देव को तो छुट्टी मिलती नहीं है लेकिन आज मुझे पूरा घुमा ही दिए, आपको भी बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, नौका बिहार कैसा लग रहा है और